निकल चुके हैं पैदल शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर लिया जा रहा है पटाखा, ये बार बार एक पटाखा ले लेता है और अपने चाचा के पास जाता है जाके छोड़ी। घर भी आपको टूर करवाएंगे आज कि हमारा घर कैसा लग रहा है आज। तो हमारा पूजा पाठ हो गया और रंगोली अभी बनाया जा रहा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत टाइम से हमारा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, लेकिन कोशिश करेंगे कि दीपावली और छठ का ब्लॉग आप लोगों को सारा शेयर करें। तो कल है दीपावली, तो आज हम लोगों को शॉपिंग करना है, तो हम और रितु चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। पतिदेव की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने बोला आप लोग रेस्ट करो, हम और रितु चलेंगे। जब रितु है तो रितु के साथ ही चलेंगे, ज्यादा सही रहेगा। दोनों अपना अपना जो भी लेना होगा सब कुछ ले लेंगे, तो चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं पैदल शॉपिंग करने के लिए बहुत दिनों के बाद, और यहाँ से थोड़ा सा लंबा यात्रा है, लेकिन शॉर्टकट वाला रास्ता ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो। हमारा मोहल्ला भी बहुत अच्छे से सज गया है। शॉपिंग हो गई है, बस अब बचा है मिठाई और पटाखे। तो यहाँ आ गई रितु, कंफ्यूज है कौन सा मिठाई ले कौन सा नहीं ले। क्या सोच रही है? मिठाई को कम हो जाएगा, किसी को कम, हम बोल रहे हैं मिक्स वाला ही ले लो, बोलती है किसी को अच्छा वाला मिठाई कम पड़ जाएगा, तो देखते हैं कौन सा मिठाई लेते हैं। रितु का नजर यहाँ पे है इस मिठाई पे, पटाखा। यहाँ पे हम लोग आ गए शॉपिंग करके, और क्रियांश जो आते हैं दो तीन पटाखा जला चुका है। क्रियांश अपना काम करेंगे, तुम्हारे बेटे को हम लोग के बस ये बार बार एक पटाखा ले लेता है और अपने चाचा के पास जाता है, जाके छोड़िए इसको। मुंह देखिए कितना बदमाश है। पापा अरे खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहो बेटा, दीर्घायु रहो। जाके चाची को करके आओ, चाची को चाचा पटाखा दिलवा दो। इसीलिए The next day. Priyans, good morning. Priyans, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. तो आज है दिवाली और दिवाली की तैयारियां तो चल रही है सुबह से, और अभी शाम होने वाला है, तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन चल रहा है, बाहर का डेकोरेशन हो गया, लाइट वगैरह लग गया। और इधर रितु जो है पूजा रूम की तैयारियां कर रही है लटकन फटकन लगा करके, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। बाकी यहाँ पे भी फूल रखा हुआ, फूल सबको भी लगाएंगे, एकदम मस्त वाला सजाएंगे। ये सब तो हम मतलब जन्माष्टमी से पहले ही ले लिए थे, लेकिन अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे है लटकन हमारा लग चुका है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी मैंने एक और काम किया है, इधर ये लगा दिया, जब इसे पूरा अच्छे से सज जाएगा ना, तभी बहुत सुंदर लगेगा, सच में बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ से भी लाइटिंग बहुत प्यारी लगेगी पूजा रूम की। और पिछले साल हमने ऐसे ही टक टक करके लगाया था, तो बार बार हमको लगता है चार और पांच मिनट निकालना पड़ा था। A few moments later. तो यहाँ पे क्रियांश होने वाला है रेडी, और क्रियांश के पापा रेडी हो चुके हैं। मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ, फेस धो के आई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम था। मेरा घर एकदम मस्त रेडी हो चुका है, एकदम चकाचक। और यहाँ पे अभी जो क्रियांश न्यू ड्रेस पहनेगा, बाकी सभी घर वाले भी गए और रेडी होने के लिए, तो जैसे रेडी होते हैं आपको दिखाते हैं सबका फाइनल लुक। बाकी इधर देखिए हमारा घर एकदम मस्त सज गया है, घर भी आपको टूर करवाएंगे आज कि हमारा घर कैसा लग रहा है आज, देखिए
सबसे सुंदर तो मुझे पूजा रूम लग रहा है एकदम मस्त। और जब पूरा रंगोली वगैरह तो अभी नहीं बनाया, रेडी होके बनाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया, घर में बहुत सारे कम लोग हैं इस वजह से। इस बार तो अच्छी बात है कि रितु भी है तो थोड़ा बहुत हेल्प हो गया, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। शॉपिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की वो, उसके बाद जितना डेकोरेशन वगैरह सब में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। नहीं तो अकेले हर साल मेरा तो हालत ख़राब हो जाता था। और इस बार का छठ भी बहुत स्पेशल होने वाला है, अच्छे से हम लोगों ने प्लान किया है कि ऐसे वैसे करेंगे, देखते हैं कितना छठी मैया सक्सेसफुल करती है। बाकी जल्दी से जाते हैं, रेडी होते हैं और सबका लुक दिखाते हैं आपको। 20 मिनट्स लेटर। दिवाली की तैयारी हो चुकी है जी, बाहर भी सज चुका है तो देख सकते हैं पूरा माहौल जो है एकदम हो चुका है दिवाली के लायक। और क्रियांश जो है हमारा, जितना भी सब कुछ तैयारी किया गया है सबको पानी कर रहा है, ये देखिए। हाँ क्रियांश, चलो 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 तुम। हाँ बस हो गया, पानी पी लिया उससे, कुछ नहीं गिलसी है वो। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं जी, मिट्टी का दिया किया जा रहा है तैयार। ठीक है, तो इसके बाद जो है जल्दी से दिया सब तैयार कर लिया जाए। रेडी हो चुके हैं, बाकी अभी पूजा की तैयारी चल रही है। जब पूजा हमारा अच्छे से सब कुछ कर लेंगे, दिया बाती सब कर लेंगे, नीचे माँ जो है खाना बनाने की तैयारी कर रही है, हम लोग पूजा का काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको पूरा लुक दिखाएंगे, बाकी हम अपना आज होम टूर भी आप लोगों को करवाएंगे कि हमारा रूम और हम लोगों ने सजाया है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। 12 seconds later. ऊपर में जी दिया सबको जलाया जा रहा है और यहाँ पर माँ कर रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ पर खीर हो रहा है तैयार, बाकी सब्जी और चावल, आलू गोभी का सब्जी, चावल नहीं, अच्छा पूरी बना, चावल भी, कढ़ी बड़ी, अच्छा कढ़ी बड़ी यहाँ पर तैयार हो गया है। कढ़ी बड़ी बिल्कुल, तो ये सब जो है तैयार हो चुका है, पूरी कढ़ी बड़ी आलू गोभी की सब्जी मिठाई। बिल्कुल, और उसके बाद जो है अब इंतजार है कि जल्दी से जो है दिया सब जल जाए और उसके बाद जो है हम लोग अपना पटाखा सब छोड़ेंगे। और क्रियांश भी बहुत ज़्यादा खुश होता है पटाखा को देख करके, हुक्का पाती खेलेंगे, फिर अपना खाना वाना सब खाएंगे एकदम, फिर उसके बाद मेरा दोस्त सब वो सबको भी फोन करेंगे, घूमने जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, दीपावली का खुशी मनाइए, भगवान सबको अच्छा से रखे। बेटा 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 लेट है, तो हमारा पूजा पाठ हो गया और रंगोली अभी बनाया जा रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा रूम और जो जो डेकोरेशन हुआ है सब कुछ। तो ये है हमारा पूजा रूम, देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। पूजा पाठ हो गया, इधर है हमारे लड्डू गोपाल, बाकी ये देखिए ये खिड़की में हमने ये वाला लगा दिया है लटकन टाइप का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है पूजा रूम का गेट, और यहाँ से हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे बन रही है रंगोली, बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम, बहुत ही प्यारा। और इधर भी हमने कुछ किया था जो कि क्रियांश गड़बड़ करके चला गया, बाकी जब पूरा फाइनल हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। One hour later. तो बाकी हमारा पूजा पाठ सब कुछ हो गया, यहाँ देख सकते हैं हमारी रंगोली बहुत ही प्यारी लग रही है, बाकी हम लोगों ने फोटो वगैरह भी ले लिया, फोटो बिना तो आजकल सब कुछ अधूरा है, तो फोटो वगैरह सारा कुछ शूट हो गया। और अब चलते हैं नीचे, प्रसाद खाएंगे, फिर खाना पीना, फिर उसके बाद पटाखा छोड़ेंगे। Few inches later. तो यहाँ पे सबका खाना पीना हो चुका है और क्रियांश जो है सबको हाई कर रहा है, हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली क्रियांश ने पूरे अच्छे से सेलिब्रेट किया है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं सेठ जी? हाँ, तो हमारे सेठ साहब जो है दिवाली के साथ होली भी खेली है। हाँ, क्या बम वाला वो मार्कर? हाँ, तो इधर गांव में अपना लगा लिया है। अच्छा, हमको लगा चाची पूछी दी है सर।
पेंटिंग बना दिया, बाकी सेठ साहब का ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है। चलिए पटाखा जलाएंगे आप, क्रियांश कब से इंतजार कर रहा है कि पटाखा जलाएंगे। चलो A few moments later. तो हम लोग आ गए छत पे, क्रियांश है अपनी चाची के पास। क्या क्रियांश क्या कर रहा है? जय जय कर रहा है, पटाखा छोड़ने आया तो कि जय कर रहा है। पे पटाखा वगैरह बहुत सारा आ गया, क्रियांश के पापा पटाखा छोड़ने वाले और क्रियांश देखने वाला है। वाह वाह क्रियांश, वाह वाह वाह। हो गया Ha 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 ha